इस मंदिर को बोलते हैं रंगनाथ जी का मंदिर सोने के खंभे वाला। सोने के खंभे जी हाँ। इस मंदिर में 7 दरवाजे हैं, पूरे मंदिर के अंदर 5 परिक्रमा है, पूरा मंदिर 1.25 किलोमीटर बना हुआ है। मंदिर के 3 गेट इस साइड में है, पश्चिम साइड में हाँ, और 4 है पूरा साइड में। पहला गेट सिंह द्वार है, दूसरा लक्की द्वार है, तीसरा मीनाक्षी गेट है। इस मंदिर के अंदर सोने के कलशे लगे हैं, कोठामे लगे हैं। 1 कलशे वजन 5.25 किलो, पूरे मंदिर के अंदर 7 कलशे चारों कोने में मिला करके। ये मंदिर बने हुए 185 साल हो गए। 185 जी हाँ। ये मंदिर को बनाया था मथुरा का सेठ था लक्ष्मी नारायण जैन बनिया। ओके। विष्णु भगवान हाँ, चंद्रवारी माता लक्ष्मी है, श्री देवी पैरों के पास बैठे हैं, भूदेवी हाँ, चांदी का सिंहासन है, सोने का मुकुट है, हर खंबे पे 8 मूर्ति है, 4 देवता नीचे में है, अच्छा, और 4 देवता ऊपर में है। हाँ जी, पूरे मंदिर के अंदर में 33 कोटि देवता विराजमान है, 33 कोटि देवता विराजमान है, जो हमारे हिंदू धर्म के बने हुए हैं। इस साल में खाली हाँ, इसको साल में खाली 1 दिन खुलते हैं। साउथ के जितने मंदिर मिलेंगे ना, हर साउथ के मंदिर में आपको वैकुंठ का दरवाजा मिलेगा। हाँ, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये गेट खाली है। अंदर दर्शन करेंगे सोने की मूर्ति, उसको निकालते हैं पालकी में, और साथ साथ भगत लोग निकलते हैं तो वैकुंठ का प्राप्ति माना जाता है। वरना वैकुंठ वृंदावन वैकुंठ से भी ऊपर है, वृंदावन वैकुंठ से भी ऊपर है, क्योंकि वृंदावन के लिए वैकुंठधारी जो बैठा नारायण वो ही तरसता है। वृंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल, तो नाम पड़ा वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में, बड़े हुए गोकुल में, तो वृंदावन के अंदर गाय चराने, तो गाय चराने से उनका नाम पड़ गया गोपाल, और वृंदावन का नाम पड़ गया गौलोक धाम, जो गोपाल अष्टमी आती है भादों के महीने में, कार्तिक मास आती है भादों अष्टमी, उसको तो गोपाल अष्टमी, उसका नाम पड़ा गोपाल। 16108 गोपियों साथ में ना प्रेम का अमरस किया और हंस की लीला किया, तो वरदान दिया जो वृंदावन में हंसेगा उसका घर बसेगा, और जो वृंदावन रोएगा अपना नैनक होगा। तो घर बसने मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हुई तो घर बसगा, घर बसने 4 सुख मिलती हैं, जो कि हर किसी भाग में है और हर किसी भाग में नहीं है। कौन सा? कि पहला सुख निरोगी काया, कि ठाकुर जी शरीर के अंदर कोई रोग नहीं, हम साल में 2 साल में वृंदावन में आते हैं, अपनी हाजिर तेज चरणों में लगाते हैं। दूसरा सुख घर में हो माया, कि प्रभु घर के अंदर अन्न की पसंद की कमी थी, अगर मैं हाथ पसारूँ तो तेरे दरबार में पसारूँ, फिर से मनुष्य न पसारना पड़े। तीसरा सुख स्वच्छल नारी, कि घर में बहन है, बेटी है, माता है, पत्नी है, तो लक्ष्मी के रूप में मिले और कमल के रूप में मिले, जिस जगह पर बैठ जाए उस जगह पर दो परिवारों को आदर सम्मान मिले, माता पिता को भी और सास ससुर को भी, बोले किसकी बहू है और किसकी बेटी है, झांसी वाली रानी थी वो भी किसी की बेटी थी, गोरा भाई थी वो भी किसी की बेटी थी, मीरा भाई थी वो भी किसी की बेटी थी। धर्म की ध्वजा अगर है संसार के अंदर में, तो पहले बेटियां हैं, बेटा नहीं, बेटा कर्म का खाता है और बेटी धर्म का खाती है, इसलिए शादी के बाद क्या बोलती है बेटी को? धर्म पत्नी बोलती है। चौथा सुख पुत्र अधिकारी, बेटा बेटी हो आज्ञा कायल में, ऐसे कहते जो वृंदावन हंसे और चादर सागर बसे। जय श्री राधे। ये रथ है, इसमें निकालती है सवारी निकालती है, इसमें होली में यह भंडार घर है, यह मंदिर का भंडार घर है। आ जाओ, यह गरुड़ ध्वजा जिसको सोने का स्तंभ बताते गाइड लोग, और नीचे छोटा वाला देखते हैं जी इंद्र का आसन है, सुबह 6 बजे होने पर 1.25 किलो दही चावल का भोग लगाती है। ये हाउ बिलाऊ, हाउ और बिलाऊ, जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब जशोदा मैया कहती लाला सो जा, वरना हाउ बिलाऊ आ जाएंगे खा जाएंगे। जब आज के समय पर बड़े बड़े लोग कहते हैं लाला सो जा, वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, है नहीं? तो ये हाउ बिलाऊ में हमारी मम्मी कहती थी सोच तो बिल्ली
ये कुंड है, इसको बोलते हैं गरज ग्रह कुंड। सावन के महीने में हाथी और मगर लकड़ियां बना करके बिजली के द्वारा लड़ाई करवाती हैं। अच्छा। क्योंकि हाथी को अहंकार था कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ। भगवान जिसको अहंकार देता है, अहंकार तोड़ने का इलाज देता है। जल पीने के लिए अंदर गया तो मगर मशीन उसका पैर पकड़ के खींच लिया। प्रभु मैंने आज तक अपना शक्ति सामने किसको नहीं समझाए। आज हमारा जान संकट में फंसा और अच्छा कीजिए। तो विष्णु भगवान गर्व पक्ष बैठ के आए और चक्र पर अच्छा किया। वो लीला दिखा दे साल में एक बार। असली युद्ध जो हुआ था वो यहाँ नहीं हुआ, वो हुआ था बिहार और नेपाल के बीच में पड़ता है गंडक नदी, जहाँ पर सालिग्राम पैदा होती है। उस आधार पर उस कहानी को जो इतिहास में है उस कहानी को यहाँ दिखा दे बना करके साल में एक बार रक्षाबंधन के दिन। हाँ, इसको बोलते सामने में ये बारह द्वारी है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की शादी कराती हैं साल में एक बार 14 जनवरी संक्रांति के दिन। जो सोने अंदर मूर्ति देखी थी आपने, उनको यहाँ लाते हैं, डोले बिठा करके किले लगाते हैं, शादी करते हैं ठाकुर जी की। हाँ, और पीछे में काले हनुमान जी हैं। हाँ, आ जाओ तो देखते हैं। ये है काले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने लंका जलाई थी और लंका जला करके हाथ अपने मुख से पहुँच रहे थे तो ये काले हो गई। इनका नाम पड़ा लंका पूरा हनुमान। हाँ, बोलो बजरंग बली महाराज की जय। काली मारी हंस रही है। ये है तिरुपति बालाजी। साउथ में बोलती है वेंकटेश भगवान। इनको 51 किलो गैया के कच्चे दूध से अभिषेक कराती हैं हफ्ता में एक बार। शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे चांदी का सिंहासन है, सोने का मुकुट है, आगे वाला मूर्ति सोने का है। उस सब का समय पालगी होती है, बीच में तिरुपति बालाजी और आजू बाजू में है श्री देवी और भू देवी, जिनको पालगी निकालती है। वृंदावन के अंदर जितने मंदिर हैं हर मंदिर में आपको दो मूर्ति बनेंगी। एक मूर्ति बने पत्थर की तो जमीन जोड़ देती है, दूसरी मूर्ति उसे सामने रखी बनेगी सोने की, तांबे की, पीतल की, चांदी की, लोहे की, जिसको यात्रा बाहर घुमाती है। बाहर में द्वारपाल है जय और विजय। बोलिए बालाजी महाराज की जय, माता पिता की जय। ताली मारी हंस लीजिए। ये है राम का दरबार। बीच में राम जी महाराज हैं, राम जी। हाँ, भाई साहब में माता जानकी हैं, सीधी आदि साल में लखन लाल जी हैं। चांदी का सिंहासन है, सोने का मुकुट है, आगे वाला मूर्ति सोने का है। चैत के महीने में आती है रामनवमी, उस समय इनको पालकी निकालती है। बाहर में हनुमान है, एक साल में गरुड़ जी महाराज हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और ताली मारी हंस जी।